नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक वाक्य है, काफ़ी अकेला हूँ। और यही वाक्य दूसरी तरह से जब हम देखते हैं तो ये है, अकेला काफ़ी हूँ। है वाक्य एक ही, लेकिन शब्दों को यदि हम थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं तो पूरा भावार्थ परिवर्तित हो जाता है। काफ़ी अकेला हूँ, कितनी उदासी की महसूसता कराता है, और अकेला काफ़ी हूँ हमारे अंदर जोश और उत्साह भर देता है। और कुछ ऐसा ही कार्य करते हैं सुंदर सुवाक्य। सुवाक्य का अर्थ ही होता है जो हमें खुशी दे, शक्ति दे, शांति दे और एक नई राह दिखाए, ऊर्जा से परिपूर्ण कर दे। और यही कारण है कि शुरुआत हम सब रंग की हमेशा सुवाक्य से करते हैं। आइए सुनते हैं। जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं विचर सकता, उसी प्रकार महापुरुष भी संसार में गुप्त नहीं रह सकते। वेद व्यास। दोस्तों, जो व्यक्ति सही और गलत के अंतर को समझता है और हर परिस्थिति में सही मार्ग चुनने और अंत तक उस पर चलने की कोशिश करता है, वही वास्तव में महान होता है। यह दूसरी बात है कि जब तक वह व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तब तक समाज और लोग उसकी महानता को स्वीकार नहीं करते। सही मार्ग पर चलने और मंजिल पर पहुंचने के दौरान कई पड़ाव ऐसे होते हैं जहां पर हमें लगता है कि हम अकेले और कमजोर हो गए हैं, मगर उस समय अगर हम इस सत्य को याद रखें कि सर्वशक्तिमान परमात्मा सत्य का रक्षक है और मैं आत्मा उसकी प्रिय संतान हूँ, तो हमें ये यकीन हो जाएगा कि सत्य मार्ग पर चलकर हम सारे संसार से भी अधिक बलवान हैं। सुंदर सुवाक्य। कुछ चीजें छिपती नहीं, हमारे अच्छे कर्म भी नहीं छिपते। कई बार हम सोचते हैं ना कि मैं इतना अच्छा अच्छा लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन कोई प्रशंसा तो करता ही नहीं है, कोई उस बात की महिमा तो करता ही नहीं है। हम इस कामना से मुक्त होकर कि लोग कहें या ना कहें, लेकिन हम अपने अच्छे कार्य करते चलें, उसका फल बिल्कुल निश्चित है, मिलेगा ही। सुवाक्य के साथ साथ हम स्वास्थ्य पर भी बहुत बहुत ध्यान जरूर दें। मित्रों, इस कोरोना काल में एक शब्द हम सबके मन में, जेहन में आई ही आई, और वो है इम्यूनिटी पावर। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ाएं, क्योंकि ये है तो फिर हम किसी भी प्रकार के वायरस का सामना कर सकते हैं। अन्यथा होता ये है कि सर्दी आई, तुरंत ही सर्दी लग गई, मौसम चेंज हुआ, तुरंत ही हम उससे प्रभावित हो गए। यदि इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है तो हम इन सब से मुक्त रह सकते हैं, लड़ सकते हैं। कैसे ये बढ़े, आज का आपकी सेहत आपके हाथ में, उसी की चर्चा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के समय हम पिछले कुछ साल से देख रहे हैं वायरस के अटैक को, एक नई महामारी के रूप में हमने सभी एक त्रासदी को झेल रहे हैं, सारा विश्व उसको झेल रहा है। और उसमें एक ही चीज़ पाई गई है कि जिनके पास इम्यूनिटी अच्छी है, अर्थात रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है, उनको इन्फेक्शन हो ही नहीं रहा है, या हो रहा है तो आराम से निकल पा रहे हैं। उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ या दमे की बीमारी होने के बाद भी वो उससे निकल जा रहे हैं। और जिनको यंग एज भी है, 30-35 साल की, 25 साल की उम्र भी है, किंतु उनकी इम्यूनिटी कम है, स्ट्रांग नहीं है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है, तो वो इससे ज़्यादा सीरियसली प्रभावित होकर के लंग्स डैमेज हो रहे हैं, हार्ट डैमेज हो रहा है, ब्रेन डैमेज हो रहा है, काफ़ी सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति को हमें मेन बात है बढ़ाना है। और वो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है खाली खाने पीने की बात नहीं है, क्योंकि जो मेन बात पिछले 2.5 साल में देखने में आई है लगभग, वो ये देखने में आई कि हमारे जन के अंदर जल्दी थी, चिंता था, डर था, चिंता और भय, एंजाइटी क्या होगा, वो लोग उनका रोग प्रतिरोधक शक्ति एकदम खत्म हो गई थी, और वो उनके सिस कम हुए, अर्थात बीमार ज़्यादा हुए या उनकी डेथ भी हुई। तो हमें चिंता और डर से बचने के लिए हमें सोल कॉन्शियसनेस को अपनाना होगा, बीइंग कॉन्शियसनेस को अपनाना होगा। चलते फिरते, उठते बैठते, अपने आप को ये अगर हम एक संकल्प दें, आई एम ए प्योर बीइंग, आई एम ए पीसफुल बीइंग, आई एम ए लवफुल बीइंग, आई एम ए पावरफुल बीइंग, आई एम ए फियरलेस बीइंग, अगर ये हम बार बार संकल्प को अंदर रिमाइंड करेंगे
तो हमारे अंदर एक ऐसी इम्यून शक्ति या प्रतिरोधक शक्ति पैदा होगी कि हमारे आसपास एक आभामंडल बन जाएगा जिससे कि हमें वायरस का या कोई भी बीमारी का अटैक भले हो जाए किंतु हम उससे सुरक्षित रह पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे। ओम शांति। तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते चलें, एक बात का ध्यान रखें, खुश रहें, क्योंकि खुशी हमारी इस इम्यूनिटी पावर को बहुत बहुत बढ़ाती है। मित्रों कहते हैं, विचारों से भले आज़ाद रहो लेकिन संस्कारों में बंधे रहो। संस्कार पतंग की डोरी की तरह हैं जो पतंग को आसमां की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यदि ये डोरी काट दी जाए तो पतंग धराशायी हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में संस्कारों को महत्व दें, मूल्य दें। और कुछ ऐसी ही सुंदर बात आज प्रोफेसर राजीव शर्मा हमारे लिए लेकर आए हैं, आइए सुनते हैं। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। एक बार गांव का एक कुत्ता ट्रेन से मुंबई गया तो मुंबई के रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए मुंबई का एक कुत्ता आया तो मुंबई के कुत्ते को नमस्कार करने के लिए गांव के कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। तो प्रत्युत्तर में मुंबई के कुत्ते ने भी नमस्कार करने के लिए अपनी पूंछ हिलाई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। गांव के कुत्ते को माजरा समझ में नहीं आया। उसने मुंबई के कुत्ते से पूछा कि हम गांव के कुत्ते तो एक दूसरे को नमस्कार दाएं बाएं पूंछ हिला के करते हैं, आप ये ऊपर नीचे पूंछ हिलाकर नमस्कार क्यों कर रहे हो? तो मुंबई के कुत्ते ने उत्तर दिया कि भैया, 4 दिन मुंबई रहेगा तो तू भी ऊपर नीचे पूंछ ही हिलाने लगेगा, क्योंकि मुंबई में इतनी जगह ही कहां है जो दाएं बाएं पूंछ हिलाई जाए। मित्रों, जगह का सिकुड़ना उतनी बुरी बात नहीं है जितना संस्कारों का सिकुड़ना है। इसलिए संस्कार बचाए रखिए, संस्कार बनाए रखिए। नमस्कार। तो संस्कारों में बंधे रहने के सुंदर संकल्प के साथ आइए चलते हैं, आज सैर करते हैं पूर्वोत्तर भारत के एक छोटे से मनोरम राज्य के, जो बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ नदियाँ भी हैं, झरने भी हैं और प्रकृति का ऐसा अनुपम सौंदर्य है कि बरबस ही व्यक्ति खींचा चला आता है यहाँ पे। यहाँ का मौसम हमेशा ही सदाबहार सा बना रहता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। आइए चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य का संस्कृत नाम सुंदरता की हिंदू देवी से जुड़ा है, त्रिपुरा सुंदरी। यह मंदिर त्रिपुरा के उदयपुर शहर में स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है। दुर्गा पूजा त्रिपुरा का प्रमुख त्योहार है। त्रिपुरा के विविध जातीय भाषाई समूहों ने एक मिश्रित संस्कृति को जन्म दिया है। यहाँ के प्रमुख त्रिपुरी वंश हैं देबर्मा, जमातिया, रियांग और नौतिया। वहीं यहाँ के प्रमुख आदिवासी समूह हैं मोरासिंग, चकमा, हलम, गारो, कुकी, मिजो, ओंचाई, रोजा, मुंडा और संथल। वहीं संगीत और नृत्य राज्य की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। त्रिपुरा के मुख्य नृत्य हैं जमातिया, गोरिया, झूम, लेवांग, ममिता और मोसक। हिंदुओं का मानना है कि त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा की संरक्षक देवी और शक्ति का एक पहलू है। इसके साथ साथ काली पूजा, डोल यात्रा, अशोक अष्टमी राज्य के महत्वपूर्ण त्योहारों में गिने जाते हैं। वहीं नीर महल इस राज्य का एक सांस्कृतिक जल महल है। वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले 40 वर्षों से परमात्म संदेश पहुंचाने का कार्य इस राज्य में कर रही है। तो ये थे दोस्तों त्रिपुरा से जुड़े कुछ अनूठे पहलू। सुंदर मनोरम पहाड़ियाँ और उतार चढ़ाव भरे रास्ते हम सब
आनंद लेकर वापस आ रहे हैं त्रिपुरा से। लेकिन यही उतार चढ़ाव जब जीवन में आने लगते हैं तो कई बार हम बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं। जीवन नाम ही है उतार चढ़ाव भरे रास्तों का, सुख और दुख का। कैसे इन दोनों में हम सहज रहें, सरल रहें, आनंदित रहें, यही आध्यात्म हमें सिखाता है और यही शिक्षा ब्रह्मा कुमारीज लगातार जन जन को दे रही हैं कि अपने जीवन में खुशहाल रहें और इन सभी परिस्थितियों का आनंद लें। कैसे उनकी सेवाएं हो रही हैं, आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। तेईस जनवरी भारत के शहीदी दिवस के उपलक्ष पर ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो दिल को छू लेने वाला एक बेहद ही प्यारा गीत प्रस्तुत कर रहा है, जिसके बोल हैं, शहीदों की शहादत को दिल से आदाब करते हैं, रिकी केज द्वारा कंपोज्ड तथा प्रेम मूर्ति और शिवांश जिंदल द्वारा गाया हुआ ये गीत आपके रोम रोम में देश प्रेम की लहर ला देगा। आइए देखते हैं गीत की झलकियां। शहीदों की शहादत को दिल से आदाब करते हैं, वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं, वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं। शहीदों की शहादत को दिल से आदाब करते हैं, वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं, वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं। को बांध सर पे और कांटों पर रहे चलते, वो पथरीले वो बर्फीले पहाड़ों पर रहे गलते, कफन को बांध सर पे और कांटों पर रहे चलते, वो पथरीले वो बर्फीले पहाड़ों पर रहे गलते, जो भारत की हिफाजत कर हमें आबाद करते हैं, वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं। जलवा जवानी की वो कुर्बानी, कहानी कहते कहते आंखों में भर आता है पानी, हाँ भर आता है पानी, वतन से उस इबादत को हम धन्यवाद करते हैं, वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं, वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं, वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं।
तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सब रंग। सचमुच ये सब रंग हमारे जीवन को कितना ही उमंग और उत्साह प्रदान करता है, जिसका अनुभव आप सब करते चल रहे होंगे, और कितनी सुंदरतम बातों से हमारा श्रृंगार करता है प्रतिदिन, राइट? जाते जाते एक और अहम सी और खूबसूरत सी बात। किसी ने कहा है कि जिंदगी में अपने किसी भी दिन को मत कोसिए। एक अच्छा दिन आपके लिए खुशियाँ लाता है, तो एक बुरा दिन आपके लिए अनुभव लाता है, और दोनों ही ज़रूरी हैं। हमारी तो ये कामना है कि आपका हर दिन खुशियों से भरा हुआ हो, लेकिन यदि कभी उतार भरा दिन आ जाए जिसमें कुछ बुरे अनुभव हों, तो निराश मत होइएगा, आशा का दीप और साथ ही खुशी का दामन थामे हुए आगे बढ़ते चलिएगा। जीवन आनंद के लिए है और परमात्मा आपके साथ हैं। इन्हीं उम्मीद, दुआओं और शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन खुशहाली से परिपूर्ण हो, दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।